जनपद संभल के गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने अपहरण हुए बच्चे को 6 घंटे के अंदर बरामद कर दो अपहरणकर्ताओं को अवैध शस्त्र समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जयसवाल के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर के सरोज के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा ने गुन्नौर कोतवाली पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मेडोली तिराहे मंदिर के पास अभियुक्त राम खिलाड़ी और धीरेन्द्र में अवैध शस्त्र गिरफ्तार कर अपहृत बच्चे अरविंद निवासी करियामई से कक्षा कुशल बरामद किया। इस विषय में पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद ने बताया कि राम की लड़की की शादी अनीता से हुई थी, जिसे करीब 20 दिन पहले अवधेश की बहन ममता, जिसकी बजांगी में हुई है, राम की लड़की की पत्नी को किसी के साथ बहला फुसला कर भगा दिया था, जिसके बाद ममता पर दबाव बनाने के लिए उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। यदि ये लोग 24 घंटे में उसके पत्नी को वापस नहीं करते तो उसके पुत्र की हत्या कर देते, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया तथा दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके 3 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बच्चे को वापस मिलने पर परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया। सर, पूरा मामला ये था कि वो बजाएंगी की समस्या थी, वो लड़की के चक्कर में हमारी में बहन भी आई गई थी, तो उनको आरोपी के चक्कर में, इनको पता होगा इनके पास रहती है, इनके पास रहते हैं, उस समस्या के कारण हमारे बच्चे को उठा लिया कि इससे दवा बन जाएगा और इसे मारने की धमकी दी और उसके बाद दवा बन जाएगा, दवा बनने के बाद जो हमारी समस्या को समाधान करेंगे। सर, एक हमारी कोई समस्या ही नहीं तो हम समाधान किस चीज़ का करते, इस चक्कर में हमारा बच्चा को उठा लिया और बच्चों को बहुत सारी धमकी दी और ये साले तो जान से मार देंगे, या तो हमारी समस्या का समाधान कर। अपने मम्मी पापा से बात करा। कितनी उम्र है बच्चे की? 7-8 वर्ष की उम्र है। अब बच्चा आपको बरामद होगा? हाँ सर, बरामद होगा, बड़ी खुशी की बात है, आपने बहुत मेहनत की है, एक कष्ट के लिए धन्यवाद आपके लिए। संभल पुलिस को धन्यवाद देंगे? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुन्नौर पुलिस के लिए, सर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 30 तारीख को एक वादी अवधेश ने अपने पुत्र अरविंद के, जो 7 साल का बच्चा था, उसके गायब होने की सूचना पुलिस को दी गुन्नौर थाने पे, और पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमें गठित की गई और इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए बच्चे को और उसके जो अपहरणकर्ता थे उन सभी को बरामद किया गया। 6 घंटे के अंदर ही इनको बरामद कर लिया गया और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है राम खिलाड़ी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की गई गहनता से तो उसने बताया कि उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी 20 दिन पहले अपने मायके आई थी, जो उसकी बहन अवधेश की बहन ममता के साथ में वहीं गांव में रहती थी, जिसका शक था कि अवधेश की जो बहन है ममता, उसने उसकी पत्नी को और बच्चों को भगवा दिया है किसी और के साथ। इसी बात का दबाव बनाने के लिए इसने जो ममता है इसकी बच्चे को और इसके जो 6 साल का बच्चा है अरविंद, इसका अपहरण कर लिया कि दबाव बनाएंगे हमारी पत्नी को वापस करने के लिए, और उसके बाद अगर वापस नहीं करेंगे या 24 घंटे के अंदर ये लोग हमारा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे हमारी पत्नी को, तो बच्चे की हम हत्या कर देंगे। एकदम पूरी इनकी तैयारी थी। अभी जैसा बच्चे ने बताया कि वो गन्ने के खेत में ले गए थे, उस तरह के से मड़िए पे रखे थे और वहाँ पे ये लोग इसके बच्चे की हत्या की पूरी साजिश में शामिल थे। अब दो मुख्य अपराधी इसमें राम खिलाड़ी और धीरेन्द्र गिरफ्तार हुए हैं, इनके 2 अन्य साथी सतीश, सुरेश और सत्यपाल अभी फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी और टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है।